हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नारियल की चटनी की रेसिपी। जो चटनी बहुत ही फटाफट से तैयार होती है, बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और इस चटनी को आप इडली, डोसा और वड़ा किसी के भी साथ खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा होता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप कच्चे नारियल ले लिए हैं और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है भुने हुए चने। इनके छिलकों को हमने हटा दिया है। आप यहाँ पे भुना हुआ चना दाल भी ले सकते हैं और चना दाल भिगोया हुआ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालना है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है यहाँ पे करी पत्ता, और इसके अलावा हमने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च, और तड़के के लिए मैंने 1/2 टेबल स्पून क्यूमिन सीड यानी कि जीरा ले लिया है, 1/2 टेबल स्पून सरसों दाना, इसके अलावा 2 लाल मिर्च तड़के के लिए ले लिया है हमने। तो सबसे पहले हमें इन्हें पीसना है। तो पीसना है किन किन चीज़ों को? कड़ी पत्ता को हम हटा लेंगे यानी तड़के के साथ रखेंगे, और बाकी जो चीज़ें हैं इन्हें हम पीसेंगे। तो सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डालूंगी। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून दही भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, चटनी हमारी पीस के तैयार है। बस इसमें तड़का लगाना है हमें। तो तड़का लगाने के लिए हम 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे, और ये जो हमने ली है जीरा और सरसों दाना, इसके अलावा लाल मिर्च 2 हमने लिया है, और ये है कड़ी पत्ता। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छे से कड़का लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा तड़का भी तैयार है। बस इसके ऊपर डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी नारियल की चटनी तैयार हो गई। बातों बातों में ये चटनी तैयार हो गई। चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और इसे आप बनाइए, खाइए, अपने अनुभव हमसे शेयर करिए। इसी का हमें इंतज़ार है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और बने रहिए हमारे चैनल के साथ।